देखिए आज का जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ये है कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग इफिशियंसी, पहला क्वेश्चन आज का। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उसके आगे क्वेश्चन का नंबरिंग आप लोग देखते रहना है अपने हिसाब से। तो पैकिंग इफिशियंसी, सबसे पहले बात पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। किसी भी यूनिट सेल में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन होते हैं, याद करो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, सिंपल यूनिट सेल में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल यानी पिंड केंद्रित इकाई सेल इसमें दो एटम होता है, और फेस सेंटर्ड सेल FCC ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है FCC यानी फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, इसमें चार एटम होते हैं। सिंपल यूनिट सेल में एक एटम, बॉडी सेंटर्ड में दो एटम और फेस सेंटर्ड में चार एटम। इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, तो याद रखना फेस सेंटर्ड में चार, बॉडी सेंटर्ड में दो और सिंपल में एक एटम होते हैं। अब एक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह छेक लेते हैं, जगह, लेकिन जितना परसेंट एरिया वो जगह छेकते हैं उसको पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। इट मीन दैट द परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड देयर पैकिंग इफिशियंसी, एंड द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग इफिशियंसी इज वॉल्यूम ऑफ द एटम बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पैकिंग इफिशियंसी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा, अच्छे से समझना, किसी भी इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा घेरे गए स्थान को, प्रतिशत स्थान को पैकिंग प्रगुणता कहा जाता है यानी पैकिंग इफिशियंसी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है, सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, 52.36, ये वैल्यू रट के रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में जब प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो वैल्यू याद रहेगा तो आपको सॉल्व करना आसान रहेगा, इसलिए आंसर रट के रखना है। सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, 52.36%। बॉडी सेंटर्ड सेल में पैकिंग इफिशियंसी होता है 68.02%, और फेस सेंटर्ड सेल में पैकिंग इफिशियंसी होता है 74.06%। तीनों में अलग अलग होता है, सबसे कम होता है सिंपल यूनिट सेल में, उससे ज्यादा होता है बॉडी सेंटर्ड सेल में और सबसे ज्यादा होता है फेस सेंटर्ड सेल में। इसीलिए कभी कभी, हालांकि बोर्ड में नहीं पूछ सकता है, लेकिन इन केस अगर पूछ दे या कोई आपसे जनरल नॉलेज में पूछे कि द पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड सेल इज मैक्सिमम, वाई, अगर कहे कि वाई क्यों होता है, फेस सेंटर्ड सेल में पैकिंग इफिशियंसी मैक्सिमम क्यों होता है, सबसे ज्यादा क्यों होता है। कभी कभी ना इस पैकिंग इफिशियंसी के जगह आपको डेंसिटी पूछेगा कि द डेंसिटी इन FCC इन मैक्सिमम वाई, एक ही क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम होगा। और आंसर क्या होगा, सिंस द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड सेल इज मैक्सिमम। तीन तरह के सेल आपको बताएं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में दो होता है और फेस सेंटर्ड में चार होता है, तो सबसे ज्यादा एटम किस में होगा, फेस सेंटर्ड सेल में। और यही कारण है कि फेस सेंटर्ड सेल का डेंसिटी या पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, इसी कारण इसका घनत्व तथा पैकिंग प्रगुणता सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है।
since the number of atoms in the phase centered cell is maximum and therefore its density and the packing efficiency is maximum. यही कारण है कि phase centered cell में packing efficiency सबसे ज्यादा होता है. लेकिन ये तो अगर कहेगा कि why क्यों होता है तब आप answer कहिएगा. अगर कहे कि prove that क्या question कि the packing efficiency in phase centered cell is maximum, prove इस बात को सिद्ध करो, साबित करो, प्रूफ करो कि पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी में सबसे अधिक होता है. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को देखते हैं. तो ये एक लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन पूछे प्रूफ दैट द पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड सेल इज मैक्सिमम. तो आप कैसे बनाओगे उसके लिए आपको तीनों को सॉल्व करना होगा. सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल, तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखाना होगा. और जब सबसे ज्यादा एफसीसी में आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है. लेकिन कैसे प्रूफ करोगे, सबका ध्यान मेरी बातों पर और बोर्ड की तरफ होना चाहिए. देखो एक एक करके देखते हैं, पहले सिंपल में, फिर बॉडी सेंटर्ड में और फिर फेस सेंटर्ड में. तो सबसे पहले देखो, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे सिंपल यूनिट सेल, ध्यान से देखना. एक सिंपल यूनिट सेल कौन होता है, वो सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं उनको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं. कल आपको पढ़ाए थे कि ए यूनिट सेल विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स lies at the corners only is called simple unit cell. तो मान लेते हैं कि ये एक क्यूबिकल सिंपल यूनिट सेल है जिसका एज यहां से लेकर यहां तक कितना है, ए है. लेट अस कंसीडर कि यूनिट सेल का एज कितना है, ए है. मान लेते हैं कि इसमें जो एटम है, एक एटम और दो एटम, एटम का रेडियस है आर. तो ध्यान से देखो, ये आर और ये आर, कितने आर, 2R, और ये 2R किसके बराबर, एज ऑफ द सेल, यानी एज ऑफ द सेल, एज ऑफ द सेल इज इक्वल टू कितना R, 2R. तो एज ऑफ द सेल क्या है, A, तो A इज इक्वल टू 2R, देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A by 2 हो जाएगा. अब देखो कल पढ़ाए थे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 8 क्वार्टर पे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 क्वार्टर पे होते हैं. और हम आपको कल पढ़ाए थे क्वार्टर पे जो एटम होते हैं वो 1/8 होते हैं, तो इनटू 1/8, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 एटम हो गए. कितना हो गया, 1 एटम. तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, volume of atoms. अब देखो atom होता है spherical. atom कैसा होता है, spherical. और math में आप लोग formula पढ़े होंगे, volume of the sphere का formula होता है 4/3 pi r³. उम्मीद करते हैं कि formula आपको पता होगा. अगर आपको formula पता नहीं है तो अब याद कर लेना. sphere, volume of the sphere, formula होता है 4/3 pi r³. और एटम, ये एटम कैसा है, स्फेरिकल है. तो एटम वॉल्यूम ऑफ द एटम क्या होगा, 4/3 pi r³. और ऐसे ऐसे कितने एटम हैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 एटम है. तो मल्टीप्लाई कर दो 1. नाउ वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ये कैसा माने हैं, क्यूबिकल सेल माने. और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर्मूला होता है a³. आप लोग पढ़े होंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a³. तो वॉल्यूम ऑफ द सेल हो गया a³. नाउ क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी. अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ाए हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सेल और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब पुट कर देते हैं, क्या इतना वॉल्यूम ऑफ द एटम्स कितना है 1 × 4/3, पाई का वैल्यू डाल देते हैं 22/7 आर क्यू। ये देखो यहाँ क्या करता है आर क्यू, और आर का वैल्यू क्या है a/2, आर का वैल्यू क्या है a/2, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू और बटा 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, तो 8 डाल देते हैं। ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द एटम्स हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है ए क्यू है, तो ए क्यू से गुना और 100। अब आप इसको क्रॉस काटूट जो कटेगा एक दूसरे से काटोगे और जो फाइनली आंसर आएगा दैट इज 52.36%। यानी सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया 52.36% आया। यानी सिंपल यूनिट सेल में जो एटम होता है वो कितना जगह छेद लेता है 52.36% ऑक्यूपाई कर लेता है पूरे सेल के स्पेस को। अगर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो एम्प्टी जगह कितना बचेगा। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच स्पेस एम्प्टी इन द सिंपल यूनिट सेल या बेबी सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड सेल। तो अगर एम्प्टी स्पेस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इतना जगह तो छेक लिया है ऑक्यूपाई कर लिया, तो खाली जगह क्या हो जाएगा एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस परसेंट में कर रहा है 52.36% कर रहा है। और अगर ये परसेंट कर रहा है यानी 100 में यानी 100 में 52.36 तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा 100 में से घटा देंगे एम्प्टी स्पेस कितना होगा 100 में से ये घट जाएगा 4, 9, 7 और 4 47.94% स्पेस क्या हो जाएगा खाली। इसका मतलब सिंपल यूनिट सेल में 52.36 स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है, भरा रहता है, ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी है। और खाली जगह कितना होता है 47.94% स्पेस खाली होता है, ये इसमें खाली जगह है। तो ये तो क्या था सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं। अब भी देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड में कैसे होगा, सबका ध्यान से देखना। बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, कल याद करो आपको बॉडी सेंटर्ड का फिगर पढ़ाए थे कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना। बॉडी सेंटर्ड सेल क्या होता है, कल पढ़े थे दोज यूनिट सेल विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ द सेल। यानी एटम्स कहां होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। ये देखो एटम्स कहां हम लोग डाल रहे हैं, ये कॉर्नर्स पे डाल रहे हैं, और एक एटम कहां होगा, ये सेंटर पे होगा यहां पर। इसका मतलब ये वाला जो एटम है इस तरह से होगा, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट बात है, यहां जो एटम है वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ध्यान से देखना। और ये बीच वाला जो एटम है ये इस तरह से होगा, तीनों एटम एक दूसरे से क्या हुआ होगा, सटा हुआ होगा। आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा हो तो हम फिर से बना रहे हैं, एक एटम यहां होगा कॉर्नर पर, दूसरा एटम यहां होगा कॉर्नर पर, और जो तीसरा एटम या बीच में होगा, ये तीनों एक दूसरे से क्या होगा, टच रहेगा, सटा हुआ रहेगा। तो अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच कर दे तो दिस इज डायगोनल, डायगोनल ऑफ सेल बराबर कितना, ये हो जाएगा आर 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 आर, आर बोले तो रेडियस ऑफ द एटम। तो इसका मतलब डायगोनल ऑफ द सेल कितने रेडियस के बराबर होगा, 4r के बराबर होगा, इज इक्वल टू 4r। अब डायगोनल ऑफ सेल यानी क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3a, फॉर्मूला मैथ में पढ़े होंगे, √3a बराबर कितना r, 4r। तो r बराबर कितना √3a,
root 3 a बटा 4. नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स कल आप लोगों को पढ़ाए थे, 8 वो कॉर्नर पर है, तो 8 इंटू 1 बाई 8 और a वो सेंटर में है प्लस 1, 81 जो 1 एक और एक और एक दो. नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बॉडी सेंटर्ड सेल में? दो एटम होंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सेल फॉर्मूला क्या होता है? 4 बाय 3 पाई आर क्यू. और ऐसे ऐसे कितने एटम है? दो एटम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? दो से. तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा? देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एटम 2 इंटू 4 बाय 3 पाई का वैल्यू 22 बटा 7 आर क्यू. ये आर क्यू की जगह इसका क्यूब कर देंगे, तो 3 रूट 3 ए क्यू बटा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64. और इंटू वॉल्यूम ऑफ द सेल, नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सेल कितना होता है? ए क्यूब होता है, ए क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको जब कैलकुलेट करोगे वैल्यू आएगा कितना? 68.02%. वैल्यू रट के रखना है, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप काट करके गुना करोगे भाग लगाओगे, उतना टाइम नहीं होगा. इसलिए केवल वैल्यू पुट करोगे और फाइनल आपको आंसर याद रखना है. बॉडी सेंटर्ड में 68.02% भरा हुआ होता है पैकिंग इफिशियंसी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 68.02% बॉडी सेंटर्ड सेल का पैकिंग इफिशियंसी हो गया. तो एम्प्टी स्पेस कितना, खाली जगह कितना, इसको अप्रोक्स 68% मान लो अप्रोक्स. तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, खाली जगह कितना हो जाएगा? तो हम ऐसे 68 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32% स्पेस खाली रह जाएगा. बॉडी सेंटर्ड सेल में 68% भरा होता है और 32% जगह खाली होता है. सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं किसका? फेस सेंटर्ड सेल का. देखते हैं कि फेस सेंटर्ड सेल में पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकलेगा. ध्यान से देखना, फेस सेंटर्ड सेल कल पढ़े थे, फेस सेंटर्ड सेल क्या होता है ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे. यूनिट सेल विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर फेस के सेंटर पे होना चाहिए एटम. तो कितने फेस है इसमें? 6 फेस है. ध्यान से देखना, ये साइड वाला दीवार इसके सेंटर पर, ये साइड वाला दीवार इसके सेंटर पर, ये छत के सेंटर पर, ये जमीन के सेंटर पर, ये एक सामने वाला दीवार दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इसके सेंटर पर, और ये एक पीछे का दीवार दिखाई दे रहा होगा इसके सेंटर पर. तो ये फिगर किसका हो गया? फेस सेंटर्ड सेल का. फेस सेंटर्ड सेल क्या है? कल पढ़ाए थे, ए यूनिट सेल, ध्यान से सुनो, ए यूनिट सेल विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस. ईच बोल रहे हैं, हरेक ईच फेसेस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड सेल. और अगर ये फेस सेंटर्ड सेल है तो अब देखो गौर से, ध्यान से देखो, ये क्या होगा? एक एटम होगा, ये भी क्या है? एक एटम है और ये बीच में, ये भी क्या है? एक एटम. इसको जब हम लोग ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो गया? R, R, R और R. कितना R? 4 R. किसके बराबर? डायगोनल ऑफ द फेस यानी रूट 2A. रूट 2A बराबर कितना R? 4 R. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 2A बटा 4. नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? कल पढ़ाए थे आपको, 8 को होता है कॉर्नर पर, 8 इंटू 1 बाई 8 और 6 को होता है फेस पर, तो 6 इंटू 1 बाई 2. ये तीन बार में कटेगा और ये एक बार में, तो 3 और 1 4. फेस सेंटर्ड सेल में कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम होते हैं.
नाउ वॉल्यूम ऑफ द एटम्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम होता है स्फेरिकल तो फॉर्मूला होता है 4 by 3 pi r cube, और ऐसे ऐसे कितने एटम है, 4 एटम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर कितना, वॉल्यूम ऑफ एटम्स 4 × 4/3, पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7 आर क्यूब, यानी किसका क्यूब, ये जो आर बराबर लिखे हैं √2a/4 इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2√2a³/64 और बटा वॉल्यूम ऑफ द सेल यानी ए क्यूब और × 100। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, काटोगे गुणा करोगे भाग करोगे, आपको वैल्यू याद रखना है कितना आएगा, 74.06%। यानी फेस सेंटर्ड सेल में कितना जगह भरा हुआ होता है, 74% जगह भरा हुआ होता है, इसको अप्रोक्स मान लेते हैं 74%, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 100 में से 74 घट जाएगा, कितना परसेंट होगा, 26% जगह क्या होगा, खाली होगा, किसमें, फेस सेंटर्ड सेल में। अब आप गौर से देखो, सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया, 52.36, फेस सेंटर्ड में कितना आया, 68%, और एफसीसी में कितना आया, 74%। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसमें आ रहा है, फेस सेंटर्ड सेल में, तो ये प्रूफ हो गया। दस कंक्लूजन लिख देते हैं, दस द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी इज मैक्सिमम, इस तरह से प्रूफ हो गया है कि फेस सेंटर्ड सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम में पूछ सकता है, तो याद रखना, मे बी पूछ दे तो आपको तीनों बनाना होगा, सिंपल में भी कैलकुलेट करना होगा, बॉडी सेंटर्ड भी कैलकुलेट करना होगा, और फेस सेंटर्ड भी कैलकुलेट करना होगा, और फाइनली कंक्लूजन लिखना होगा क्या, कि फेस सेंटर्ड सेल में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, कौन कौन सी बात, ये आर बराबर ए बाय टू, आर बराबर √3a/4 और आर बराबर √2a/4, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर आपसे पूछे सिंपल यूनिट सेल में क्या रिलेशन होता है, तो आर बराबर ए बाय टू, बॉडी सेंटर्ड में क्या रिलेशन होता है, आर बराबर √3a/4, और फेस सेंटर्ड में क्या रिलेशन होगा, आर बराबर √2a/4, तीनों में अलग अलग होता है, तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज ऑफ द सेल इन बॉडी सेंटर्ड सेल, चार गो ऑप्शन दिया रहेगा, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, आर बराबर √3a/4, दिस इज योर आंसर। दूसरा बात जो ध्यान रखना है वो ये, सिंपल यूनिट सेल में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम होता है, और फेस सेंटर्ड में 4 एटम होता है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड सेल इज, और ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 4 और नन ऑफ दीज, तो आंसर आप टिक मारोगे किस पर, 4 पर, यानी एफसीसी पूछेगा तो नंबर ऑफ एटम 4, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 2 और सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1, तो इस तरह से फेस सेंटर्ड सेल में पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे होता है, ये हम आपको समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आया हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन
स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। जो क्रिस्टल्स होते हैं इट मे बी कंसिस्ट सम ऑफर सम एरर्स सम डिफेक्ट्स। क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं और ये दो तरह के होंगे, एक होंगे स्कॉटकी डिफेक्ट और एक होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। हालांकि डिफेक्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी है, लेकिन जो आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इसलिए अभी हम सबके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछे राइट द डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आप क्या कहोगे आंसर, ये क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या होता है, इस बात को समझते हैं। गौर से देखो, अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें जो हम फिगर बना रहे हैं ना Na plus Cl minus Na plus Cl minus इस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पे Zn plus 2 S minus 2 फिर Zn plus 2 S minus 2 कर रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखना फिगर, क्योंकि फिगर पे ही आपका आंसर जाके डिपेंड कर जाएगा। यदि ध्यान से देखना, यदि किसी क्रिस्टल में कटायन और एनायन का साइज बराबर हो, सेम साइज, तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट उस क्रिस्टल में होता है जिसमें कटायन और एनायन का साइज बराबर होता है। लेकिन इसमें गौर से देखो, प्लस वाले को छोटा बनाए हैं और माइनस वाले को बड़ा बनाए, यानी कटायन इज स्मॉलर देन एनायन। फ्रैंकल डिफेक्ट उसमें होता है जिसमें एनायन बड़ा हो और कटायन छोटा हो। अब दूसरा डिफरेंस, स्कॉटकी डिफेक्ट में अगर एक कटायन गायब हो जाए, लेट अस कंसीडर कि एक Na प्लस जो है अपने जगह से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक Cl माइनस भी गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो Zn प्लस 2 है इसका साइज क्या है, छोटा है, तो ये लुढ़क करके यहां से बीच में से लुढ़क के आएगा और यहां पे घुस जाएगा Zn प्लस 2। कौन, ये वाला जो Zn प्लस 2 था ये अपने जगह से लुढ़क के आया और ये चार के बीच में जो जगह खाली था उसमें जाके घुस गया। तो ये डिफेक्ट कहलाएगा कैसा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, फ्रैंकल सॉरी ये क्या कहलाएगा, ठीक है फ्रैंकल डिफेक्ट, तो ध्यान से सुनो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, अच्छे से सुनना। व्हेन ए कटायन एंड एनायन, पहला डिफरेंस बोल रहे हैं स्कॉटकी और फ्रैंकल का पहला डिफरेंस, व्हेन ए कटायन एंड एनायन डिसअपीयर फ्रॉम इट्स लोकेशन इट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट, बट वेन ए कटायन डिसलोकेटेड टू इंटरस्टीशियल साइट इन द क्रिस्टल दैट इज इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा डिफरेंस, स्कॉटकी डिफेक्ट अकर इन दोज क्रिस्टल इन विच कटायन एंड एनायन आर ऑफ सेम साइज, बट फ्रैंकल डिफेक्ट अकर इन दोज क्रिस्टल इन विच कटायन इज स्मॉलर देन एनायन। तीसरा डिफरेंस, इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट, ये जगह क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, जगह खाली हो गया तो क्या बन गया, वैकेंसी बन गया, तो इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट, बट इट इज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कटायन है ये अपने जगह से खसक के कहां चला गया, इस जगह पे बीच में, चार गो के बीच का जो जगह होगा ना उसको कहा जाएगा इंटरस्टीशियल साइट, उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टीशियल साइट। तो चूंकि कटायन कहां चला जा रहा है, इंटरस्टीशियल साइट में चला जा रहा है, इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या होगा, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट होगा। चौथा डिफरेंस नंबर चार, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस और डेंसिटी डें
density remain same. देखो इसमें जो है ना एटम क्या हो गया, गायब हो गया, और अगर एटम गायब हो जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, घनत्व जो है ना वो कम हो जाएगा। इसमें एटम गायब नहीं हो रहा है, अपना केवल जगह बदल दिया, यहां से यहां आ गया, तो एटम गायब नहीं हुआ, इसलिए डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार डिफरेंस हम आपको बताएं स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में। स्कॉटकी डिफेक्ट में कटायन और एनायन गायब हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में कटायन अपने जगह से खसक के अंतरावली में चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, स्कॉटकी डिफेक्ट में कटायन और एनायन सेम साइज का होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में कटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तीसरा डिफरेंस, स्कॉटकी डिफेक्ट एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है, रिक्ति दोष, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, अंतरावली दोष होता है। चौथा डिफरेंस, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल स्कॉटकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल कहोगे क्या, NaCl अभी बताए हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ZnS। जिंक सल्फाइड में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, NaCl में कौन सा डिफेक्ट होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन कहता है कि कोई एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें दोनों डिफेक्ट हो सकता है, तो दिस इज योर आंसर, AgBr। अगर आपसे पूछे कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कॉटकी फ्रैंकल बोथ नॉन ऑब्वियस, तो आंसर होगा बोथ, यानी सिल्वर ब्रोमाइड में स्कॉटकी डिफेक्ट भी हो सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि AgBr में कौन सा डिफेक्ट होता है, तो आपको कहना होगा कि दोनों डिफेक्ट होता है। पूछेगा कि NaCl में कौन सा डिफेक्ट होता है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। अगर पूछेगा ZnS में कौन सा डिफेक्ट होता है, तो कहेंगे कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी डिफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी डिफेक्ट एंड वाई फ्रैंकल डिफेक्ट अकर इन ए क्रिस्टल। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, दो लाइन में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है और किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है, ये दो क्वेश्चन, और सिंपल है, दो लाइन का आंसर है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं। सबसे पहली बात कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी डिफेक्ट, कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, या कभी कभी ना आपको वैकेंसी डिफेक्ट के जगह पॉइंट डिफेक्ट कहता है, ऐसा भी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, एंड व्हाई फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर इन ए क्रिस्टल, कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में क्यों होता है। तो आंसर आप क्या कहोगे, अच्छे से सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है, आप देखो इस डिफेक्ट में, स्कॉटकी डिफेक्ट में एटम अपने पॉइंट से क्या हो गया, गायब हो गया। पॉइंट मतलब बिंदु, कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो एटम जो है अपने जगह से क्या हो गया, गायब हो गया, तो इसके अपने जगह पर जगह खाली हो गया। इस बारे में देखो ZN जो था ये अपने जगह से क्या हो गया, खसक गया, मतलब डिसलोकेट हो गया, तो इसके अपने जगह पर जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो जब किसी खास पॉइंट पर जगह खाली हो जाए तो इसको पॉइंट डिफेक्ट कर दे, और जगह खाली होगा कैसे, या तो गायब हो जाए तब, या तो अपने जगह से खसक जाए तब। तो क्या कहोगे कि वेन, ध्यान से सुनना, वेन द कटायन एंड एनायन डिसअपीयर फ्रॉम इट्स लोकेशन, अच्छे से सुनो,
when cation and anion disappear from its location or dislocated, a vacancy created on their position, and therefore it is called point dipole. कि जब किसी क्रिस्टल में कोई एटम कटायन एनायन अपने जगह से गायब हो जाए या अपने जगह से विस्थापित हो जाए तो उसके अपनी जगह पर जगह खाली हो जाता है और इसी ही पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष कहते हैं। ये पहला वाला का आंसर कंप्लीट। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन, फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है? तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है अभी तुरंत आपको समझाएं, किसके कारण? कटायन के छोटे साइज के कारण। अगर किसी क्रिस्टल में एनायन बड़ा है और कटायन छोटा है तो जो छोटा कटायन है वो लुढ़क जाता है अपने जगह, डिसलोकेट हो जाता है और इसी कारण फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो इस वाले का आंसर क्या कहोगे? इस वाले का आंसर कहोगे फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है? तो कहोगे कि व्हेन इन ए क्रिस्टल, ध्यान से सुनना, व्हेन इन ए क्रिस्टल कटायन इज स्मॉलर देन एनायन इट मे डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड देयरफॉर फ्रैंकल डिफेक्ट अकर। कि यदि किसी क्रिस्टल में कटायन एनायन से छोटा हो तो वो अपने जगह से विस्थापित हो जाता है और इसी कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट अकर होता है। तो हम आपको दो क्वेश्चन समझा दिए, एक डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट एंड व्हाई फ्रैंकल डिफेक्ट अकर इन ए क्रिस्टल। दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को समझने में अगर किसी के मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। ये सभी बातें जो हम आपको अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसको केवल उससे उतार लेना है और याद कर लेना है। अभी जो हम आपको ऑनलाइन में क्लास कराएंगे, पढ़ाते हैं, इसमें हम आपको केवल पॉइंट बाय पॉइंट आंसर समझाएंगे, लेक्चर्स चलेगा, नोट्स जो है वो हम आपको ऑन रिटेन भेज देंगे, जिसको नहीं मिला होगा बता देना, आप दे देंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही मेरा आप लोगों के पास, नंबर है 9473162349, व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी के पास नहीं होगा ना नोट्स तो आपका ना हम भेज देंगे। तो खैर, तत्काल उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड CSCl, CSCl के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, दो नंबर से ज्यादा में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा और दो लाइन का ही आंसर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी सेंटर्ड सेल होता है। हम आपको पढ़ाए थे सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, गौर से देखो ध्यान से, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कॉर्नर्स पे क्लोरीन होंगे, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, और यहां बीच में सेंटर पर होगा CS, सीजियम। और हम आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर हो और A को बीच में हो, सब कॉर्नर पर है, कॉर्नर पे क्लोरीन 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 और एक एटम बीच में हो सीजियम, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड सेल। तो आंसर क्या कहोगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीजियम क्लोराइड, तो ये वाला फिगर बना देना और आप कहोगे द यूनिट सेल ऑफ द सीजियम क्लोराइड इज बॉडी सेंटर्ड सेल in which chlorines are situated at the corners and the cesium yani CS is situated at the center of cell. Each CS is attached with 8 chlorine, that is the coordination number is 8. Kal padhaye the ki coordination number kya hota hai,
एक एटम जितने एटम से घिरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और गौर से देखो, ये जो सीजियम है इसके ऊपर ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक सीजियम कितने क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, आठ क्लोरीन से जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, आठ, यानी सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल होता है, इसमें क्लोरीन कॉर्नर पे होते हैं और सीजियम सेंटर ऑफ द सेल पे होते हैं। हर सीजियम आठ क्लोरीन से जुड़ा होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आठ। और विद फिगर ये बात लिख दोगे, आंसर कंप्लीट। इज दैट क्लियर? इस बात को समझने में कोई डाउट अगर है तो बोल सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन जो होता है वो होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। अब दोनों क्या है इस बात को समझो, तो उसके लिए ना हम आपको यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। पहले आप फिगर को देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और ये सारे सिलिकॉन एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। इस तरह से सब एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। सिमिलरली इधर भी बनाते हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और ये सब एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ के पूरा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएंगे। और सिलिकॉन क्या होता है, एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन ये दो तरह का हो सकता है, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। अब सोचो, ध्यान से देखो, यहां पर अगर इस सिलिकॉन के जगह क्या डाल दे, नाइट्रोजन, सिलिकॉन के जगह क्या डाल दे, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, पांच। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पांच, तो इस पांच में से चार इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा एक्स्ट्रा। अगर इसमें मान लो बोरॉन डाल देते हैं, तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, तीन, कितने होते हैं, तीन, तो इसमें बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड एक, सिंगल बॉन्ड दो और सिंगल बॉन्ड तीन, इधर ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो जगह हो जाएगा क्या, खाली। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, और यहां जो जगह खाली बना ना, इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिगर हम आपको समझा दिए, अब डिफरेंस समझो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस कि यदि किसी सिलिकॉन में, किसी सेमीकंडक्टर में कोई ऐसा एलिमेंट घुस जाए जिसके पास सेमीकंडक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर कोई ऐसा एटम घुस जाए जिसके पास सेमीकंडक्टर से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैकेंसी हो जाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री और इसमें क्या हो जाता है, वैकेंसी, जगह खाली हो जाता है। तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो एन फॉर निगेटिव, और वैकेंसी पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो पी फॉर पॉजिटिव। तो यहां पर इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, इसलिए नाम होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पे जो वैकेंसी बना इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला डिफरेंस, यदि सेमीकंडक्टर में कोई ऐसा एलिमेंट घुस जाए जिसके पास सेमीकंडक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वह कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर।
यदि सेमीकंडक्टर में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन घुस जाए जिसके पास सेमीकंडक्टर से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा डिफरेंस, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेक फ्री फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, करेंट का फ्लो हो सकता है, किसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में करेंट का फ्लो होता है किसके कारण, इस वाले खाली जगह के कारण। यहां जो वैकेंसी बना, जगह खाली बना, वैकेंसी, इस वैकेंसी के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी करेंट का फ्लो होने लगता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इसमें वैकेंसी अवेलेबल होता है। तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और वैकेंसी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई डाउट है, अभी जो दो क्वेश्चन बताए इसको समझने में किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक दो नंबर से ज्यादा का नहीं पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए एक दो से ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक नंबर का रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें आपको चेक करना होगा कि आंसर क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक क्रिस्टल है जो किससे बना है, ए से बना है और बी से बना है। कोई क्रिस्टल किससे बना है, ए से और बी से, तो यूनिक सेल बना देते हैं। ये आपका क्रिस्टल बनेगा यूनिक सेल। अब ये क्रिस्टल किससे बना हुआ है, ए से बना है और बी से बना है। अब क्वेश्चन कहता है कि ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कहां पर है आपका, कॉर्नर पर। ए एंड बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ फेस, यानी ए कहां है, कॉर्नर पर। ए ए ए ए ए ए ए और ए, ए कहां है आपका, कॉर्नर पर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितना, आठ। और याद करो, नोट में पढ़ाए थे कि जो कॉर्नर पर होता है वो वन बाई एट होता है, तो एट इंटू वन बाई एट, यानी ए हो जाएगा कै गो, ए गो। फिर कहता है बी कहां पर है, फेस पर है। बी कहां है, फेस पर, तो फेस पे बनाते हैं, एक इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, एक छत के बीच में, एक जमीन के बीच में, एक ये सामने वाला दीवार के बीच में और एक ये पीछे वाले दीवार के बीच में। तो बी कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह गो। और याद करो, पढ़ाए थे कि जो फेस पर होता है वो वन बाई टू होता है, पढ़ाए थे हम ये नोट में, कल आपको लिखाए थे फेस पर कितना होता है, वन बाई टू। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, वन बाई टू, तो कितने, थ्री। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा ए हो गया ए गो और बी हो गया थ्री गो, यानी फॉर्मूला हो गया ए बी थ्री इज योर आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में ए बी थ्री दिया रहेगा, उस पर टिक मार देना, आंसर कंप्लीट। और अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से इसको सॉल्व करके दिखा देना, फॉर्मूला हो गया ए बी थ्री। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या काम करना, आप लोग घर पे जाकर के, मतलब घर पे जब आप फ्री बैठोगे, लेक्चर वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहता है, दोबारा एक बार देख लेना ताकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। दो चार क्वेश्चन इसमें और बच रहे हैं, कल सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट के कल खत्म हो जाएंगे। दो तीन क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हम आपको कल बता देंगे। तो कल सॉलिड स्टेट का अंतिम क्लास होगा, ठीक है? तो बचे हुए जो क्वेश्चन है, जैसे फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन ये क्या है, क्यों है, कब है और कैसे है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहें बेकरार।
थोड़ी सी प्रतीक्षा और समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावन क्लासेस में।